एम सोल्यूशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको वेक्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ए बी सी डी ई एफ एक समखटभुज है। ए पर ए बी ए सी ए डी ए तथा ए एफ बल कार्य करते हैं। सिद्ध कीजिए कि इनका परिणामी 3 वेक्टर ए डी होगा। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर उस भुजाओं को नोट कर लेते हैं जो भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। ये समखटभुज है। समखटभुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी के बराबर होगा ई डी और ए एफ के बराबर होगा सी डी और एफ ई के बराबर होगा बी सी। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को नोट कर लें। सबसे पहले तो ई डी के बराबर होगा हमारा ए बी। ए बी तो जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उन पर लगने वाले बल भी आपस में बराबर होते हैं, ये भी होता है। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि ए एफ बराबर सी डी, वेक्टर ए एफ बराबर वेक्टर सी डी। अब हम इन सारे बलों का परिणामी बल निकालेंगे, यानी वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए एफ, इन सभी बलों का परिणामी बल निकालने के लिए हम इन सभी बलों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे परिणामी बल बराबर होगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए एफ। और हमारा टारगेट है कि 3 वेक्टर AD के रूप में, यानी इन सभी का योगफल हमें 3 वेक्टर AD के रूप में लाना है, यानी इन सबको जोड़ करके इसका आंसर 3 वेक्टर AD लाना है। यहाँ पर हम वेक्टर ए बी की जगह पर लिख देंगे वेक्टर ई डी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए प्लस ए एफ की जगह पर हम लोग लिख देंगे वेक्टर सी डी। अब ध्यान से देखें, अब ई डी प्लस ई डी और ए को एक साथ लिख लेते हैं, यानी ए ई और ई डी को एक साथ लिख दें। ए ई वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई डी को एक साथ अगर लिख दें तो ए और ई डी को एक साथ लिखने का फायदा यह होगा कि यह वेक्टर ए डी के बराबर हो जाएगा और हमें वेक्टर ए डी को लाना भी है और ये वेक्टर ए डी हमारा पहले से है। प्लस अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है ये और ये एक साथ हो गया, ए सी बच रहा है, सी डी बच रहा है, यानी वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी। इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए प्लस ई डी का मान हो जाएगा ए डी। अब प्लस वेक्टर ए डी पहले से है यहाँ पर और ए सी प्लस सी डी यानी ए सी प्लस सी डी इसका भी मान हो जाएगा ए डी के बराबर। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे वेक्टर ए डी। आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन में वेक्टर ए डी वेक्टर ए डी वेक्टर ए डी जोड़ देंगे तो जाएगा 3 वेक्टर AD और यही हमें सिद्ध करना था और यही हमारा आंसर है। आशा करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक उदाहरण और लेता हूं, एक क्वेश्चन और करता हूं ताकि आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। सिद्ध कीजिए कि बलों ए बी ए बी सी डी सी ई डी एवं ए सी का परिणामी 3 AC होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उन त्रिभुजों में उन परिणामी बलों को लिख लेंगे जो एक दूसरे के बराबर हैं। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी में अगर देखा जाए तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर होगा वेक्टर ए सी के। तो इसी तरीके से इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या क्या बराबर है उसको सबसे पहले हम लोग नोट कर लें, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो इसे हल करते हुए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में
वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर होगा वेक्टर ए सी के। अब इसी तरीके से त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी सी, वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी सी बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ए सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी सी बराबर लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर ए सी। और इसी तरीके से त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ई डी बराबर वेक्टर ए डी। और इन तीनों त्रिभुजों से हमें ये तीन संबंध प्राप्त हुए हैं, इनको हम लिख सकते हैं संबंध एक, इसको लिख सकते हैं संबंध दो, और इसे लिख सकते हैं संबंध तीन। इन तीनों त्रिभुजों से हम इन तीनों संबंधों को अगर जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड से जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जोड़ा जाता है और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष जोड़ा जाता है। तो इसे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, यानी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस, अब इसमें आ जाएंगे ए डी प्लस डी सी, वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी सी प्लस, इसमें आ जाएंगे अब वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ई डी इक्वल टू दाहिना पक्ष, दाहिना पक्ष और दाहिना पक्ष तीनों जोड़ लिया जाएगा एक में, तो हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए सी हो जाएगा दो वेक्टर ए सी प्लस ए डी लिखना है अलग से वेक्टर ए डी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो बराबर के दोनों पक्षों से बाएं पक्ष में भी वेक्टर ए डी है और दाएं पक्ष में भी वेक्टर ए डी है, तो वेक्टर ए डी से वेक्टर ए डी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, उसे हम लोग लिख लें वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस, ये तो कट चुका है, अब इसे लिख लेंगे वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई डी बराबर टू वेक्टर ए सी। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कितने बलों का परिणामी बल लिखना था, एक दो तीन चार पाँच छः, हमें छः बलों का परिणामी बल लिखना था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा यहाँ कितना बल है, एक दो तीन चार पाँच ही बल है, तो छठवां बल कहाँ पर है, कौन सा बल नहीं है। यहाँ पर हम अगर देखें गौर से तो ए बी है, बी सी है, डी सी भी है और एसी नहीं है, एसी बाएं पक्ष में नहीं है, तो बाएं पक्ष में एसी को लाना जरूरी है क्योंकि बाएं पक्ष में एसी रहेगा तभी इन छह वेक्टरों का, छह बलों का परिणामी बल निकलेगा। तो इसलिए हम बाएं पक्ष में एसी लाने के लिए हम दोनों पक्षों में वेक्टर एसी जोड़ देंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों में, थोड़ा सा आपको दिखे, दोनों पक्षों में वेक्टर ए सी जोड़ने पर, जब हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई डी प्लस वेक्टर ए सी बराबर टू ए सी हमारा पहले से है, अब प्लस हम लोग एसी जोड़ रहे हैं दोनों पक्षों में, तो यहाँ टू एसी और एसी हमारा थ्री एसी आ जाएगा और यही हमें सिद्ध भी करना था। अब इसे हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या सीक्वेंस दिया है जरा आप देख लें, दिया पहले ए बी लिखना है, उसके बाद ए लिखना है, उसके बाद बी सी लिखना है, तो उसी क्रम में हम लोग इसे नीचे वाली लाइन को लिख देते हैं। पहले लिखना मुझे
वेक्टर ए बी, प्लस लिखना है वेक्टर ए, प्लस लिखना है वेक्टर बी सी, प्लस वेक्टर डी सी, प्लस वेक्टर ई डी, प्लस वेक्टर ए सी बराबर, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जाएगा 3 वेक्टर ए सी, और इसी तरीके से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और वेक्टर से संबंधित इस तरह का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो मुझे उम्मीद है कि आप हल कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।